थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर मेकिंग दिस सक्सेसफुल. एंड मुझे बस कहना है कि मैं इनके साथ रेगुलर बेसिस पे लास्ट ईयर से कनेक्टेड हूँ. उससे पहले 2016 में मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ था इट वॉज वेरी नाइस. आई फेल्ट वेरी ऑनर्ड. मुझे getting a little bit nervous, I'm sorry. Okay, I'll just tell you how मेरी जर्नी हुई है स्टार्ट इनके साथ. पहले इट वॉज अराउंड 2012 में मामा एंड ऑल यूज टू से कि इस लड़की को इंडिया ले आओ एंड एक जगह पे लंगर खाते हैं, खाली लंगर करा दो, इसकी शादी हो जाएगी. बिकॉज मेरी प्रॉब्लम है मेरी शादी नहीं हो रही है. सो तो वो कहते रहते थे तो हमें लगा कि पता नहीं कहीं पे जैसे मंदिर के बाहर लंगर की लाइन लगती है ऐसे कुछ होता होगा क्या. ये बोल रहे हैं लंगर खा लेगी और इसकी शादी हो जाएगी. तो वी डिडंट केयर एंड मैं बहुत टाइम हो गया था इंडिया जा भी नहीं रही थी एंड मुझे इतना एक्साइट भी नहीं करता था वो थॉट. सो आई वाज लाइक नो नो मैं नहीं लंगर खाने जा रही हूँ उधर एक दिन के लिए. तो उसके बाद व्हेन वी मूव टू दिस बिल्डिंग दैट वाज 2015 तो ये हांडा अंकल के घर पे हमें किसी फ्लावर वाले ने बोला कि कोई संत आने वाले हैं. तो हमने अपने घर के डेकोर के लिए जनरली उसको बुलाया था एंड वो कह रहा था आजकल मैं बिजी हूँ आपके 22 फ्लोर में कोई बहुत बड़े संत आने वाले. तो हमने बोला संत आने वाले एंड ये मुझे कोइंसिडेंटली लिफ्ट में मिल गए एंड इन्होंने 22 दबाया था. तो मैंने बोला आप वही हो जिनके घर पे फ्लावर वाले लगे हुए हैं संत आने वाले हैं. एंड दे लाइक हाँ हम लोग वही हैं. एंड मैंने बोला हम लोग ज्वाइन करें. मेरी मॉम को एंड मुझे लगा कि शायद कोई बाबा होंगे मुझे ब्लेस करेंगे एंड शायद मेरी शादी का बता दे कि क्यों नहीं हो रही है कब हो जाएगी. यू नो या फर्नीचर वाली रोड पे हाँ फर्नीचर पैन एमिरेट्स में ये लोग अपना ना मैचिंग वो कुशन एवरीथिंग ढूंढ रहे थे. व्हेन आई स्टॉप देम एंड मैंने बोला कि आपके घर पे हो रहा है तो ही सेड यस यस. सो वी सेड कैन वी कम यू नो. तो इन्होंने बोला यस यस यू नो आप आ सकते हो. एंड जब लिफ्ट में मिले तो वी आर लाइक हाँ आपके घर बाबा आएंगे या आएंगे. एंड ये लोग कह रहे हैं नहीं नहीं वो नहीं होते. तो हमने बोला वो नहीं होते तो फिर कौन आ रहे. तो दे आर लाइक नहीं नहीं वहाँ पे ना विजन आती है जब आप मेडिटेट करते हो. यू जस्ट हैव टू पुट अ क्वेश्चन इन योर माइंड आपको आंसर मिल जाएगा. तो मैंने बोला अच्छा ये क्या सिस्टम हुआ. तो मैं वहाँ पे जब इनका ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था एज यूजुअल लाइक आई कम लेट आई एम सो सॉरी अबाउट इट बट इनका जब खत्म होने वाला था तो मैं आई और मुझे इन्होंने आगे सीधे बिठा दिया एंड आई वाज लाइक लुकिंग एट दिस पिक्चर एंड आई वाज थिंकिंग व्हाट टू मेडिटेट एंड ऑल. तो उस वक्त हमारे घर में ये चल रहा था कि मेरी भाभी भैया यू नो काफ़ी टाइम से ट्राई करते थे कि दे वॉन्ट अ बेबी तो उनका हो नहीं रहा था. तो मैंने सोचा कि फॉरगेट अबाउट मी पहले ये ट्राई करती हूँ. तो आई जस्ट सेड कि हाँ उनके ना बेबी बॉय हो जाए एंड बॉय जो हो वो पूरा मेरे भाई जैसा दिखे बिकॉज मेरे भाई छोटे थे बहुत क्यूट था. तो आई डोंट नो इट जस्ट क्लिक वन मंथ बाद शी कॉल्स मेरी भाभी कॉल्स एंड शी इज लाइक आई एम प्रेग्नेंट. तो उसके बाद में उसके बेटा हुआ एंड बेटा रिजेंबल्स पूरा मेरा भाई. तो वी वर शॉक्ड. तो कभी भी मेरे माइंड में नहीं आया कि ऐसे कुछ यू नो इनके साथ कनेक्टेड होगा. एंड मेरी मॉम ने उसके बाद इनके घर पे ट्वाइस आई थिंक अटेंड किया है सत्संग एंड वी यूज टू गेट रोज फ्रेग्रेंस इन माई होम एंड माई मॉम यूज टू से हाँ गुरुजी आ गए गुरुजी आ गए. मैं कहती थी क्या बोलने जा रहे गुरुजी आ गए क्या ये रोज फ्रेग्रेंस क्या बिकॉज आई डिडंट हैव एनी नॉलेज अबाउट इट. सो आई थॉट मे बी यू नो बिकॉज वी वर्शिप माता मोर वो हमारी कुल देवी है. तो मुझे लगा था कि माता आ गई है ब्लेस करने बिकॉज रोज आई कुड कनेक्ट टू अ फीमेल यू नो. तो मुझे लगा कि नहीं नहीं माता आती है एंड हमें ब्लेस करके जाती है. सो ट्वाइस थ्राइस इट हैपेंड विद अस. तो मैंने फिर भी नहीं सोचा. देन आफ्टर 12.5 इयर्स व्हेन आई वेंट टू इंडिया तो तब हम लोग पंजाब गए थे एंड बाय चांस थोड़े दिन के लिए अनएक्सपेक्टेडली वी वेंट टू दिल्ली. तो जब दिल्ली गए तभी भी हमने नहीं गुरुजी का सोचा. मेरे मामा अगेन ही सेड आप इसको ना गुरुजी के मंदिर लेके जाओ. एंड आई लुक एट माय मॉम आई एम लाइक मॉम प्लीज ये कोई बाबा बाबा के पीछे मत पड़ना इनको भूल ही जाने दो. तो हम नहीं जाने वाले आई एम नॉट गोइंग. तो मैंने उनको ऐसे मम्मी को बोला एंड शी ऑल्सो एग्रीड शी इज लाइक यार लेट इट बी. तो नेक्स्ट डे हम लोग चले गए रजौड़ी गार्डन
एंड एकदम वहाँ पे हेविली रेन शुरू हो गया. तो जैसे ही इतना रेन शुरू हुआ तो ऑब्वियसली वी हैड टू गेट इनसाइड इन शोरूम एंड वहाँ जाके बैठना पड़ना था बिकॉज इट वॉज पोरिंग लाइक क्रेजी यू नो. सो जब हम अंदर बैठे मेरी मॉम उनको तो एक ही सवाल रहता था कि हाय कोई लड़का बता दे मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है. तो वहाँ पे बुढ़ी औरत बैठी हुई थी, शी वॉज द ओनर. तो उससे बातें करने लग गए, बोले मेरी ना बेटी की शादी नहीं हो रही है, आपके यहाँ बहुत कस्टमर आते होंगे बड़े बड़े, कोई लड़का अच्छा लड़का ही बता दो. तो शी जस्ट सेड लाइक दैट. तो कैजुअली जब उन्होंने बोला तो शोरूम वाली आंटी उनको बताने लगी अबाउट गुरुजी. उनके शोरूम में बड़ा सा स्वरूप था एंड शी स्टार्टेड नरेटिंग स्टोरीज एंड आई डोंट नो व्हाट एंड आई डिडंट इवन हियर, आई वाजंट इवन अटेंडिंग टू देयर कन्वर्सेशन एंड ऑल, यू नो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया अपने में लगी हुई थी. एंड सडनली माय मॉम शी कम्स टू मी एंड शी इज लाइक आज मैं तुझे उस बड़े मंदिर में लेके जाऊंगी, गुरुजी के पास लेके जाऊंगी. और मैंने बोला अच्छा कि कहाँ है? तो शी इज लाइक 3 घंटे लगेंगे बट मैं लेके जाऊंगी. मैंने बोला मॉम मैं नहीं जा रही 3 घंटे के ट्रैफिक में, मुझे नहीं बैठना है. तो मेरी मॉम लाइक नहीं आज कुछ भी हो जाए आज तो मैं तुझे वहाँ लेके जाऊंगी जाऊंगी. आई डोंट नो इन्होंने क्या बात की थी, क्या मेरी मॉम इतना कन्विंस्ड हो गए एंड शी इज लाइक आई एम गोइंग टुडे. उन्होंने मेरी मामी को पिकअप किया ऑन द वे बिकॉज मेरी मामी बहुत ज़्यादा फैन है, मतलब बहुत ज़्यादा इनको मानती है. तो शी थॉट के वो गाइड कर देंगे रूट के लिए. तो उनको बिठा के हम लोग चले गए. तो जैसे ही गए एक तो इतने टाइम लगा के हम लोग वहाँ पहुँचे और जैसे ही पहुँचे तो दे आर लाइक नहीं नहीं आज तो मंदिर बंद है. तो मैंने बोला ये क्या, मुझे सीरियसली उस वक्त ऐसा फील हुआ जैसे मैं कोई बहुत सिंफुल गर्ल हूँ कि इतने सारे लोगों ने मुझे बोला कि गोदे एंड जैसे ही पहुँची वो बंद निकला. तो आई एम लाइक आई फाउंड इट लाइक लिटिल इंसल्टिंग यू नो. तो मैंने बोला अभी मैं नहीं जाने वाली, चलो अभी मत मुझे बोलना. एंड जब वो ऐसे बोल ही रही थी मैं एंड मेरे ड्राइवर ने यू टर्न दिया ही, मेरी मामी वो इतना मानती थी इनको, वो कहती थी नहीं नहीं प्लीज़ मुझे ऐसे नहीं जाना है, मुझे इनके दर पे माथा टेक के जाना है, तो मैं ऐसे नहीं जाऊंगी. आई वाज लाइक नो मुझे नहीं जाना. शी लाइक प्लीज़ मुझे जाने दो बस माथा टेक के आ जाएंगे. तो आई सेड ओके फाइन. उन्होंने सेवादार किसी से परमिशन ली एंड वो एग्री हो गए. वो कह रहे ओके आप जा सकते हो, आगे गली सी बनी हुई थी एंड देयर लाइक यू कैन गो एंड खाली इधर वो जो गेट है गेट पे माथा टेक के आ सकते हो. सो जैसे ही हम लोग गेट तक पहुँचे क्विकली मेरी मम्मी मेरी मामी सब लोग बहुत मन से माथा टेकना शुरू हो गए और मैंने कैजुअली बस माथा टेका एज आई डिडंट नो मच अबाउट हिम यू नो. तो मुझे कुछ पता नहीं था इनके पावर्स के बारे में, इनके बारे में कुछ भी मुझे ये भी नहीं ज़्यादा आइडिया था कि वहाँ पे होता क्या क्या है एक्सेप्ट दैट लोग खाने जाते हैं दैट्स इट. तो आई वॉज अवेयर ऑफ द फंक्शनिंग जो वहाँ पे चलती है. तो मैंने जैसे ही गेट से पीप किया मुझे वो प्लेस बहुत ब्यूटीफुल लगी. तो मैंने जैसे ही देखा आई वॉज लाइक ये लोग माथा टेकने में बिजी थे और मैं बोली कि नहीं मुझे तो अंदर थोड़ा जाके देखना है ये है क्या, इट सीम्स वेरी ब्यूटीफुल यू नो ऐसे लग रहा था. तो मैंने ऐसे कैजुअली जब तक ये कर रहे थे मैंने किसी सेवादार को बोला कि मैं दुबई से आई हूँ, मैं इतने सालों बाद आई हूँ, पता नहीं दोबारा कब आऊँगी, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा अंदर देखने दो. तो ही इज़ लाइक ओके मैं ना अंदर जाके किसी से परमिशन लेता हूँ. तो उन्होंने जैसे ही अंदर जाके परमिशन किसी से ली, आई डिडंट नो वेयर ही वॉज गोइंग, हु ही वॉज टेकिंग परमिशन फ्रॉम, क्या चल रहा था. तो ही इज़ लाइक ओके वो एग्री हो गए एंड तुम लोग थोड़ा अंदर आ सकते हो. तो मैंने बोला ठीक है. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, जैसे वो गेट खुला मुझे नहीं पता लाइक मुझे वो ब्रीज एंड वो होल थिंग यू नो इतना वंडरफुल इतना ब्यूटीफुल लगा, द होल पता नहीं क्या अजीब सी फीलिंग आई. आई जस्ट फेल लाइक डांसिंग यू नो, मेरा मेरे अंदर गाना बजने लग गया, डीजे वाले बाबू मेरी शादी करा दो, डीजे वाले बाबू मेरी शादी करा दो यू नो. एंड इतने म्यूजिकल वे से और जिस तरह से बजा कि आई वॉज लाइक लिटरली रेडी टू डांस. मुझे कोई होश नहीं कि अभी तक नहीं मुझे पता उनके स्टार्टिंग में कौन से गणेश जी की मूर्ति है, किनकी मूर्ति है, मैं कहाँ खोई हुई थी. मैं बस वहाँ मतलब नेम से एक माथा टेक रही थी बट आई डिडंट नो किसकी मूर्ति है कैसी रखी है. मैं बस अपने गाने में मस्त एंड वो ब्रीज एंड आई जस्ट वांटेड टू डांस एंड वो म्यूजिक ऑटोमेटिक बज रहा है मेरे कान में यू नो वो गाना बज रहा है डीजे वाले बाबू मेरी शादी करा दो
एंड यू नो जब तक ये लोग अपना जल्दी जल्दी माथा टेक के लगे हुए हैं अपनी फैमिली के लिए मन्नत मांग रहे, तो वो एकदम से इट वॉज अनएक्सपेक्टेड. आई थॉट लाइक थोड़ा अंदर जाने देंगे, बट यू लाइक ओके ओके बस इतना हो गया, अभी आप लोग जाओ. तो मैंने बोला ये क्या बात हुई, हम लोग तो अभी अंदर एंटर ही हुए थे, आगे तो देखने दो कितना बड़ा है ये, कितना और भी कुछ नजर आ रहा है. तो इज लाइक नहीं नहीं वो अलाउ नहीं करेंगे. तो हम लोग फिर जैसे ही मुड़ने वाले, सडनली मेरी नजर गई वो शिवलिंग पे एंड मैंने बोला वो शिवलिंग है? तो मेरी मामी कहती हाँ. मैंने बोला इतना बड़ा शिवलिंग? एंड सडनली आई जस्ट फेल लाइक, पता नहीं मुझे वो विजन आने लगी जैसे मैंने शिवलिंग को हक किया हुआ, मैं हवा में लटक रही हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड मैं बोल रही हूँ मैं वो शिवलिंग देखे बिना नहीं जाने वाली हूँ. तो यू नो आई स्टार्टेड देयर, आई एम नॉट गोइंग फ्रॉम देयर, यू नो मुझे वो शिवलिंग देखना है. आई डिडंट नो जब ये सब चल रहा था तो मुझे कोई देख रहा है, कोई जो परमिशन ग्रांट कर रहे हैं वो मुझे नोटिस कर रहे हैं एंड वेट कर रहे हैं कि हम कब निकलेंगे. तो वो एकदम से मुझे आवाज़ नहीं दिया लाइक नहीं नहीं आगे नहीं जा सकते, वहाँ शिवलिंग में लाइटिंग वर्क चल रहा है. एंड आई जस्ट टर्न एंड आई थॉट कि कौन बोल रहे हैं यू नो. एंड देन मैंने जब देखा तो वो गौरव अंकल थे जिन्हें मैं नहीं जानती थी ऑफकोर्स. तो वो कह रहे नहीं नहीं आगे लाइटिंग वर्क चल रहा है, वहाँ पे लाइट्स लगा रहे तो आप लोग नहीं जा सकते हो क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा है, तो उसकी प्रेपरेशन चल रही है. तो मैंने बोला अच्छा ठीक है. तो मैं जैसे ही मैंने गौरव अंकल को देखा, आई डोंट नो व्हाई माय हार्ट फेल्ट लाइक पता नहीं कौन है, कोई बहुत इंट्यूटिव पर्सन लग रहा है, कोई पावरफुल पर्सन लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट फेल्ट दैट यू नो माय हार्ट फेल्ट. एंड मैंने वो सेवादार को बोला ये जो अभी मना कर रहे थे ये कौन है? तो ही इज लाइक ये गुरुजी के नेफ्यू है. तो मैंने बोला अच्छा, तो आई जस्ट न्यू के गुरुजी नहीं है, तो मुझे लगा उनके नेफ्यू हैं. तो मैंने उनको एकदम से बोला, मैंने बोला क्या ये इनको भी पावर है क्या? तो आई डोंट नो व्हाई ही सेड, ही जस्ट नॉडेड हिज हेड एंड ही सेड ऐसे मुझे बोला. तो मैंने बोला रियली गौरव जी को भी, गौरव अंकल को भी वो पावर है? प्लीज मेरी शादी नहीं हो रही है, ये है वो है, मैं दुबई से आई हूँ, मैं इतने साल बाद आई हूँ, मेरी बात करा दो इनसे. तो इज लाइक ओके ओके वेट, तो मैं इनसे परमिशन लेके देखता हूँ. तो उन्होंने उससे परमिशन जब ली तो बाहर आ गए और मुझे इशारा किया हाँ हाँ हाँ, दो मिनट के लिए वो मान गए. तो आई जस्ट न्यू कि मेरे पास 2 मिनट्स हैं, आई डोंट नो हु दिस मैन इज, आई डोंट नो उसमें क्या पावर है, वो क्या करते हैं और इस मंदिर में होता भी क्या है, ये करते क्या है, व्हाट डू पीपल डू, आई हैड नो आइडिया. सो मैं अंदर जा तो रही थी, आई जस्ट न्यू कि मैं अपनी प्रॉब्लम बता सकती हूँ पर उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ मुझे कुछ नहीं पता. तो मुझे मैंने क्या किया, मैं अंदर जैसे गई एंड आई जस्ट न्यू कि मेरे पास 2 मिनट है, तो मैंने फटाफट शुरू कर दिया. मैंने बोला मैं दुबई से आई हूँ, मैं इतनी बड़ी हो गई, मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरा केस ये है कि लड़का सामने नहीं आता, 2 साल बाद हो 4 साल बाद हो कोई भी पंडित से कुछ भी पूछ लो स्टोरी वही बन जाती है, लड़का एंड में सामने नहीं आता. तो यू नो मैंने उनको फ्रैंकली सब कुछ बोला एंड देन आई वाज लाइक नाउ व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम, ये करते क्या है. तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी सारे ऑप्शंस कवर कर लूँ. तो मैंने बोला तो अगर आपके पास पावर है तो आप मुझे ब्लेस कर दो, अगर आपको फ्यूचर का सब कुछ दिखता है तो मुझे गाइड कर दो, और अगर कुछ उपाय बताए तो वही बता दो. तो मैंने जब उनको ये सब बोला तो ही जस्ट स्माइल्ड एट मी, तो मुझे बड़ी स्माइल दी और सडनली बोले कि दीपक अंकल को यहाँ बुलाओ. आई वाज लाइक हु इज दीपक अंकल, आई वाज थिंकिंग. तो उनके सेक्रेटरी थे तो उनको बोले कि इसका नंबर ले लो और अपना नंबर इसको दे दो, तो ये लड़की को कल गुरु पूर्णिमा में आरती में आगे खड़ा कर देना. तो आई वॉज लाइक आगे खड़ा कर देना, पता नहीं क्या कोई मैजिक हो जाएगा आगे खड़ा होके या क्या इनका इंटेंशन है, मुझे तभी भी समझ नहीं आया. एंड आई वॉज लाइक जस्ट कन्फ्यूज एंड लुकिंग हियर एंड देयर. एंड मेरी मामी जो है उसका मुंह खुला हुआ है शॉक से, एंड बिकॉज शी वॉज जस्ट फॉलोइंग, आई मीन वो लेके गए थे पर उनको सब पता था कि वहाँ पे होता क्या है. आई वॉज लाइक आई डोंट नो एनी थिंग यू नो. तो वो कह रहे शॉक से, वो कह रहे नहीं नहीं कल तो 4-4 घंटे की लाइन होती है, ये लोग नहीं आने वाले हैं, 4-4 घंटे की लाइन में नहीं खड़े होंगे. तो वो कह रहे हैं हाँ हाँ मुझे पता है, इसीलिए तो नंबर दे रहा हूँ और नंबर ले रहा हूँ, इसको लाइन में नहीं खड़ा करेंगे, इसकी गाड़ी सीधे अंदर तक मंदिर तक आई जाएगी. तो शी लाइक हाँ ओके ओके थैंक यू एंड आई वाज लाइक ओके. तो मैंने नंबर एक्सचेंज कर लिए
एंड मेरी मामी बाद में शुरू हो गई, अरे तू तो बहुत लकी है, ये हुआ है, तभी भी मुझे कुछ समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, बिकॉज हमें हमारा इंटेंशन था कि मेरी शादी हो जाए, आई डिडंट नो व्हाट इज द प्रोसीजर, ये होता क्या है यहाँ पे। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जब हम लोग चलने लगे तो जैसे उन्होंने जो टाइम स्टेट किया हुआ था कि इतने बजे तक यहाँ पे पहुँच जाना, तो जैसे हम लोग वो पहुँचने लगे तो मेरी मामी कहते हैं ओके अभी हम लोग यहाँ पहुँचने तो लगे हैं पर अब देखना वो फ़ोन नहीं उठाएंगे। तो मैंने बोला ये क्या बात हुई, खुद ही इन्वाइट करेंगे और फ़ोन नहीं उठाएंगे। तो जब ये कॉन्वर्सेशन चल ही रही थी एकदम से फ़ोन बजा एंड उन्हीं का था, एंड वो दीपक अंकल बोलते अच्छा आप लोग पहुँच गए। तो मैंने बोला हाँ हाँ बस पहुँच रहे। तो कह रहे ओके मुझे जल्दी से अपनी गाड़ी का नंबर, गाड़ी का कलर, सब कुछ है ना, मुझे मैसेज कर दो। सो व्हेन वी रीच देयर तो देयर वाज लाइक सम आई डोंट नो सम एको काइंड ऑफ साउंड हुई व्हिच आई कुड हियर, आई डोंट नो व्हाट इज देयर सिस्टम। तो उसमें वो बोल रहे थे वंदना आंटी है एक, उनकी ये कलर की गाड़ी है और ये नंबर प्लेट है, तो उसके ऊपर स्टिकर लगा दो, इसकी गाड़ी को कोई नहीं रोकेगा, ये सीधे अंदर मंदिर जाएगी। तो ऐसे करके हम लोग सीधे अंदर चले गए। सो वहाँ पे वो तो थे नहीं, गौरव अंकल ही केम लेट, गुरु पूर्णिमा का दिन था, बट वी एंजॉयड द वो जो मम्मी कह रही थी चमनजीत कोई सिंगर आए हुए थे, शब्द बोल रहे थे, सो इट वॉज वेरी नाइस यू नो, बहुत मेलोडियस वॉइस थी, सो आई वॉज लाइक हियरिंग ऑल दैट। एंड मैं देख रही थी कि वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट है, मतलब आई वॉज लाइक सिटिंग देयर इनोसेंटली, आई डिडंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। कभी मेरे माइंड में आ रहा था नहीं इन्होंने जानबूझ के बुलाया है, शायद कोई लड़का दिखाना होगा। तो कभी मुझे लग रहा था नहीं शायद आरती को मैं टच करूंगी, कोई मिरेकल हो जाएगा एंड फिर मेरी शादी हो जाएगी, आई डिडंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। तो मैं बस गई और ऑन द वे जब हम लोग पहले जब सेकेंड डे जा रहे थे मेरी मामी मुझे बोलती कि वहाँ पे ना लंगर ऐसे ये आइटम देते हैं, इतने आइटम्स देते हैं एंड चार चार लोग एक थाली में खाते हैं। तो जैसे ही उन्होंने बोला आई वॉज लाइक चार चार लोग एक थाली में खाते हैं, तो शी इज लाइक या एंड आई सेड मैं ना जूठा खाती हूँ ना मैं जूठा किसी को देती हूँ, ये मुझे पहले बोला होता ना मैं यहाँ कभी नहीं आती। शी इज लाइक नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलते, ये प्रसाद होता है, ये है वो है। आई सेड मामी मैं मुझे नहीं खाना है लंगर उनका, मैं नहीं खाऊंगी यू नो, तो मैं नहीं जूठा खाऊंगी। सो आई रिमेम्बर जब हमने सारा शब्द आरती वो सारा जब अटेंड कर लिया था गुरु पूर्णिमा का, तो व्हेन वी वर गोइंग बैक यू नो शी वाज लाइक पुलिंग मी टू वन रूम वन हॉल जहाँ पे खाना देते हैं। एंड मुझे याद है मैंने अपनी मामी का आम पकड़ा हुआ था, आई वाज लाइक मामी नहीं नहीं मामी मामी मुझे नहीं खाना है यू नो, आई वाज लाइक सो स्केयर्ड। एंड मेरी मामी जैसे ही एंटर हुई सडनली शी इज लाइक टर्निंग बैक एंड शी इज लाइक तू सच में बहुत लकी है, व्हाट शी इज लाइक एक एक जने को एक एक लंगर सर्व कर रहे हैं, ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं है यहाँ पे करते हुए। So I'm like really, and then suddenly I turned and I saw, I was like yeah thank God सबको एक एक थाली दे रहे थे, I don't know if they have separate halls or what, I don't know, but the place where I had entered it was like they were serving one person one plate, so that's okay। So मुझे बस ये लगा कि मैं अपना honestly and very innocently जिस तरह गई थी उधर कि मतलब I didn't have the knowledge or something, एंड मैंने उनको ऑनेस्टली अपनी पूरी प्रॉब्लम है ना एज इट इज बस बोल दी थी एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग हेल्प, बट यू नो लाइक एज इट्स इंडिया एंड पीपल थोड़े कंजर्वेटिव अप्रोच एंड ऑर्थोडॉक्सी थोड़े होते हैं, तो इंस्टेड ऑफ लाइक डिमीनिंग मी द ओनर दे गिव मी लाइक यू नो उन्होंने मुझे सीधे आगे डाल दिया लाइक अ वी आई पी ट्रीटमेंट दी। आई वॉज सिटिंग अमंग्स दोज मिनिस्टर्स यू नो फैमिली and doing aarti with them, I felt really honored. So it's like 12.5 years baad main India gayi thi, it was a beautiful experience, mujhe bahut acha laga and it's a coincidence ke jab mere sath ye sab hua tha usse one day pehle hi main Delhi ki street mein khadi logo ko watch observe kar rahi thi and mujhe lag raha tha ke bahut से मुझे बहुत वो लग रहे थे यू नो जैसे मतलबी एंड अपने में ही मस्त एंड सब इस तरह एंड आई वाज लाइक आई वाज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद द क्राउड एनवायरनमेंट आई मीन आई वाज इंटरैक्टिंग विद देम बट आई वाज जस्ट लुकिंग एट देम एंड फीलिंग दैट
आई वाज लाइक थिंकिंग ओ गॉड मैं रोने जैसी स्टेट में थी, मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ, यहाँ पे आई क्यों हूँ. तो द वेरी सेकेंड डे मेरे साथ जब ये एक्सपीरियंस हो रहा था तो मुझे लग रहा था कि एक बहुत ब्यूटिफुल रीज़न उन्होंने दे दिया दिल्ली में आने का, जो मैं एक दिन पहले ग्रम्बल कर रही थी. द अदर डे इट वॉज लाइक इट जस्ट फेल्ट वंडरफुल, यू नो, पूरा उल्टा कर दिया. सो इट वॉज नाइस, दैट वॉज लाइक yes, thank you so much for that. And that has been the main push, you know, from his side for connecting me with him. क्योंकि मुझे, even though I'm not married till now, but then I know कि वो unexpected कुछ भी कर सकते हैं, you know. So we, so the thing that they say, मांगो नहीं मनो. तो मैंने कहा वहाँ कुछ ऐसे मांगा था. And how he gave me. So, you know, we all should do that. We don't know what he can give and when he can give, you know. And it definitely makes you feel so wonderful. So, jab main uske baad wapas aayi, after a month, main find karne lag gayi. Maine Handa uncle ke bete ko phone message kiya ki I knew they are connected to Guruji, ki inke kahan hote hai langar, ye satsang and all. So, he put me through them and उसने जब कनेक्ट किया तो द फर्स्ट सत्संग दैट आई हैड अटेंडेड वाज एट जयदेव अंकल्स होम. तो उस वक्त मुझे यही याद था कि मुझे पहले निशा हांडा आंटी ने बोला था कि यू हैव टू ट्राई टू गेट विजन, मतलब कोई भी क्वेश्चन हो मन में रख के वो आपको अपने तरीके से आंसर कर देते हैं. तो मैंने उस वक्त जब बैठ के अपने शादी के लिए मांगा, व्हाट ही टोल्ड मी, आप लोगों का बिजनेस बहुत ख़राब हो गया है, तू अपनी फैमिली पे कंसंट्रेट कर, तू पहला फैमिली पे कंसंट्रेट कर, पहला मैं थोड़ी फैमिली ठीक करूँगा, बिजनेस ठीक करा, फिर मैं तेरा ब्याह कराऊँगा. ही गेव मी दैट आंसर एंड आई वॉज लाइक, उस वक्त वो पिक्चर ऑफ द होल thing was not just exact like what he had told me, but then itni quickly maine usko us tarah hote dekha to mujhe thoda aise laga ki shayad ye mere ko suit hi nahi kiye hain, you know, he is not lucky for me. Mujhe thoda bhaya ho gaya and maine ek month jaake inka chhod diya, but he had mentioned all this to me. He had told me all this, you know, pehle se, to wo bahut sab hote bhi dekha, but then jaise situation thi, he had his own way of guiding me. He kept guiding me, I wasn't following him, but he used to come in dream, or maybe his picture used to speak, I don't know, like I wasn't asking him for help, but he was helping me, he was sending help his own way se. So, you know, I was like playing the main role in getting out of that circumstance. So, kis tarah wo hua and kis tarah unhone mujhe jo visions dikhai thi that who all will be there as a part of our family over here in Dubai and everything, wo sab jo jo unhone dikhaya wo sab in 2 years transform hoke hua hai. तो मतलब यू नो, अगर मैंने ये नोटिस किया, अगर ये कुछ बोलते हैं ज़रूरी नहीं है कि इंस्टेंट तब हो, बट यू नो टाइम जैसे पास होता है यू हेड टूवर्ड्स इट एंड वो चीज़ होती ही है, वो इनमें होती ही है. तो दैट्स व्हाई यू नो आई जस्ट सरेंडर्ड नाउ. तो मैं कुछ मांग नहीं रही हूँ क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि when I went, I didn't know what to ask for. I didn't know him. मुझे पता ही नहीं था होता क्या है. But you know, he has his own way. You don't know how he could honor you, you know. Sometimes he could bless you with something very extraordinary, make you feel very special. So better is बस चुप करके like a child you come, eat and go. Life को ऐसे experience करो. Problem है you come, you just, you know, pour all your heart उनके सामने. And go. And he will have his own way to sort it out. That's it. Thank you. Thank you so much.